2021 में हम 62 में थे, अशोक चव्हाण के मुख्यमंत्री होते, उस समय अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की जगह जो थी 72 के करीब थी। उस समय स्वाभाविक तौर पर उनका मुख्यमंत्री आया, सांसद 2014 को 4 और 2019 को 4 महाराष्ट्र में 4, 8 या 7 से ऊपर हम लोग नहीं गए। सरमुखानंद हॉल की बैठक में मैंने बोल कर दिखाया कि मेरे मन से इच्छा थी कि हमारा मेरी पार्टी आगे बढ़े, सांसदों की संख्या बढ़नी चाहिए, विधायकों की संख्या बढ़नी चाहिए, नए कार्यकर्ते आगे आने चाहिए। कारण एक चक्र होता है, 25 हर 25 साल में नई पीढ़ी आगे आती है और 75 वर्ष बाद तीसरी आती है। ये चक्र जो है समय चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और ऐसे सब लोग काम करते रहते हैं, तो हम सब आगे जा रहे थे लेकिन संख्या कम होती जा रही थी। 2004 की संख्या 2009 में 62 हो गई, 2014 में 41 हो गई विधायकों की, 2019 में 54 हुई विधायकों की। तब भी कुछ करके सरकार शिवसेना राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ मिलकर बनाने का प्रयत्न हुआ। मित्रों, उसके पहले 2014 में भी एक बार बीजेपी की सत्ता नहीं थी, उस समय बीजेपी के नेताओं ने कहा कि 16 एनसीपी और शिवसेना के साथ उन्होंने प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में 16 सीटों का जो बंटवारा होना था बाद में बीजेपी ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा। नितिन गडकरी की इच्छा थी, बाकी नेताओं की इच्छा नहीं थी, मामला हो नहीं पाया। 2014 में सत्ता आई, वो बीजेपी की आई। 2014 में केंद्र में उनकी सत्ता आई, राज्य में हमारी थी, लेकिन जो समन्वय होना चाहिए था वो समन्वय नहीं हो पाया। 2019 में हम सब बीजेपी में बैठे थे, लेकिन हमारी संख्या हमेशा 71, 28, 24 के आसपास रही। अभी हम जो फैसले, भाजपा, शिवसेना, शिंदे और राष्ट्रवादी पार्टी, बहुमत हमारे पास पर्याप्त है। ये सब करते हुए मंत्रिमंडल में अभी 9 जनों को सही मिला है और भी लोगों को मौका मिलेगा, अलग अलग विभाग और पालक मंत्री पद मिलेंगे। उससे जो चुनकर आए हैं विधायक उनके काम हो पाएंगे। सरकार जाने के बाद से सभी विधायकों के काम को स्थगित मिल गई थी, स्थगन मिल गया था, हमें उस स्थगन को हटवाना है। किसी निजी स्वार्थ के कारण ये पार्टी फैसला नहीं लिया है। यहाँ पर सभी बैठे हुए विधायक कुछ आज उपस्थित नहीं रह पाए, कुछ दवाखाना में हैं, कुछ अस्पताल में हैं, कुछ उधर के मीटिंग में गए हैं, ऐसे सभी विधायक आज भी मेरे साथ हैं। अजीत पवार का दावा है कि जो विधायक शरद पवार के साथ हैं गए हैं अभी दिखाई पड़ रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। कल भी ये सबके लोगों का काम करने में मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूँगा। और बीजेपी और शिवसेना शिंदे जो गुट है उनके विधायकों को भी हमें बताना है कि मेरी प्रतिमा महाराष्ट्र में एक दमक कड़क नेता के तौर पे है, जो मैं चाहता हूँ वही होता है, ऐसी मेरी प्रतिमा बन गई है, छवि बन गई है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। कोई मुस्लिम होगा या फिर आदिवासी होंगे, पिछड़े होंगे, महिलाएं होंगे, युवक होंगे, कि बेरोजगारी किस वजह से बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, वो हमें कम करना है, बेरोजगारी कम करनी है, उद्योग धंधे को के उपयुक्त वातावरण बनाना है,
विरोध में बैठ के ये सब नहीं हो सकता। मंत्रिमंडल में बैठने के बाद ये सरकार ने भी कई निर्णय लिए। भुजबल हैं, धनंजय मुंडे हैं, दिलीप वलसे पाटिल हैं, कल के मंत्रिमंडल में कई विषय रखा उन्होंने। जब हमको सत्ता में काम करके लोगों का प्रश्न छोड़ने का मौका मिल रहा है तो क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों लोगों को नजरअंदाज करें, उपेक्षित रखें? इसमें कुछ अलग करने की कोशिश हुई। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, आज प्रफुल्ल भाई और सागर का उनकी बात हुई, प्रफुल्ल पटेल जी ने कहा कि हम बाहर से, 2014 की बात है राज्य में, कि हम बाहर से समर्थन देंगे। हम चुप रहे क्योंकि नेताओं का निर्णय था। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए, हमें बताया गया कि वानखेड़े में जो शपथ विधि है वहाँ जाइए। हम सब वहाँ गए। नरेंद्र मोदी जी मुझे पहचानते हैं, मैं उन्हें पहचानता हूँ। तब उन्होंने पूछा था, अजीत जी ने तबियत जाना चाहा, और साहब की तबियत पूछा, भुजबल साहब से भी बात किया उन्होंने। अगर सवाल है मेरा कि अगर मोदी के साथ नहीं जाना है बीजेपी संजय, तब हमें क्यों भेजा गया था? और उसके बाद फिर 2017 में के बीच वर्षा बंगले में जाकर चर्चा हुई। मैं राष्ट्रवादी की तरफ से मैं जयंत पाटिल और सुनील तटकरे सामने देवेंद्र फडणवीस से सुधीर मुनगंटीवार थे, विनोद तावड़े थे और चंद्रकांत पाटिल, ये चार लोग थे। कुछला विभाग किसे पालक मंत्री पद मिलेगा, ये सब पे चर्चा हुई थी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, अगर झूठ बोला तो मैं पवार के औलाद नहीं हूँ। उसमें तय हुआ सुनील तटकरे को दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली में उन बीजेपी के वरिष्ठों के साथ साथ सुनील तटकरे की बैठक हुई। बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने संघा की 25 साल से हमारा जो मित्र पक्ष है, शिवसेना मित्र दल है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि शिवसेना एनसीपी और बीजेपी ऐसी सरकार रही, लेकिन हमारे वरिष्ठ को ये मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि शिवसेना हमें नहीं चलेगी, शिवसेना एक जातिवादी पार्टी है। लेकिन बीजेपी वालों ने तब शिवसेना को छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 2019 साल आया, चुनाव परिणाम आया। चुनाव आया तो परिस्थिति क्या हुई आप सभी को पता है। उसमें एक बड़े उद्योगपति के घर में हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं, दूसरे भी वरिष्ठ नेता हैं जो बैठे हैं, पटेल साहब उद्योगपति के घर पे, बीजेपी के भी वरिष्ठ नेते थे, देवेंद्र फडणवीस मैं भी था, चर्चा हुई। पांच हमारी बैठकें हुई उसी बंगले में, और देवेंद्र जी ने कहा था कि कहीं बोलना नहीं है।
क्या क्या अंतर का घटनाक्रम तुम्हारा वही है, उसके बाद का जो घटनाक्रम वो आप सभी को पता है। मीडिया वाले बार बार मुझे पूछते हैं कि 2021 में क्या हुआ, लेकिन मुझे किसी को बदनाम नहीं करना था। मित्रों, ये सब जब चल रहा था तब अचानक एक बदलाव हुआ और उसमें मुझे कहा गया कि अब हम शिवसेना के साथ जाएंगे। मुझे बताइए, 2017 में शिवसेना एक जातिवादी पार्टी थी, इसलिए उनके पास नहीं जाना था, एक सांप्रदायिक पार्टी थी इसलिए नहीं जाना है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के बाद ही शिवसेना जो है वो मित्रपन हो गई और जिस भाजपा के साथ हम जाने को तैयार थे वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सांप्रदायिक पार्टी हो गई। ऐसा नहीं होता है, आखिर अलग अलग राजनीतिक दलों में विचार अलग अलग हो सकते हैं, घर में भी लोगों के अलग अलग मत होते हैं, लेकिन ये सब होते हुए इधर अलग भूमिका वहाँ अलग भूमिका, उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे की अपनी सरकार बनी जिसमें मुझे पार्टी ने सभी मित्रों ने उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, मैंने कैसे काम किया आप सभी ने देखा, कभी मैंने एक उसमें लापरवाही नहीं दिखाई, क्योंकि हम महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम उसकी अर्थव्यवस्था संभाल रहे हैं। दोस्तों, वो भी कल आपने देखा,